हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग और असेंबलिंग करने जा रहे हैं BMW बाइक की। चलिए शुरू करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि सामान पूरा है या नहीं। सबसे पहले एक ये पहिया देखिए, क्या शानदार लग रहा है डिज़ाइन इसकी। इसके बाद ये बाइक की कुछ एक्सेसरीज है जो इस पन्नी में पैक होकर आई हैं। ये बाइक का साइलेंसर, उसके बाद में साइड में पैर रखने के लिए सपोर्ट। फिर हम निकालेंगे पूरी की पूरी ये बाइक। ये आगे बाइक का हेड, उसके बाद ये साइड सपोर्ट। ये आपको एक रॉड दी गई है साथ में, और इन द एंड ये बाइक का दूसरा पहिया। अब हम इस बाइक को उल्टा करेंगे, इसमें नीचे वो साइड सपोर्ट पहिए फिक्स करने के लिए। अब ये जो साइड सपोर्ट है बच्चे के पैर रखने के लिए, ये देखिए, ये सिंपली इसमें जाएगा और फिक्स हो गया है। और जो दूसरा वाला है इसमें आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा वायर से, उसके बाद आप इसको अंदर से पूरी तरह फिक्स कर सकते हैं। अब ये साइड सपोर्ट हमें यहाँ लगाने के लिए ये सारे पेच खोलने पड़ेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे फिक्स करने के लिए, और जो हमने पेच निकाले थे अब उन्हें वापस हम लगा देंगे। चलिए अब हम बाइक का पीछे वाला पहिया लगाएंगे। तो ये वाला जो पहिया है ये पीछे वाला पहिया है, ये देखिए, और इसको अब हमें यहाँ पे फंसा देना है। ये देखिए यहाँ फिक्स हो चुका है, और ये यहाँ से हमने पीछे से ही यहाँ पर रॉड जो है फिक्स कर दी। ये देखिए ये रॉड हमने यहाँ से फिक्स की थी। अब इसके बाद यहाँ पे ये पुली है जो इसमें पीछे से हमें फिक्स करना है ताकि गैप बना रहे। अब यहाँ पे पहिए फिक्स करने के लिए एक बासर लगा देंगे और इस बोल्ट को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब हम लगाएंगे आगे वाला पहिया, और ये भी यहाँ पे हमें इसको थोड़ा रोक के रॉड को बस यहाँ से आर पार कराना है। अब फिर से पार्सल और बोल्ट से इसको फिक्स कर देंगे। अब बस ये हमारे पहिए सब कुछ फिक्स हो चुका है। अब हमें कवर से इसको कवर कर देना। अब ये देखिए साइलेंसर बहुत ही आसान है, कोई पेच का काम नहीं है, सीधा इसके अंदर जाएगा और ऐसे। अब हम लगाएंगे नंबर प्लेट और इसके पीछे वाले इंडिकेटर, ये यहाँ पे हम लगाएंगे और पेच लगा के इनको एक जगह फिक्स कर देंगे। अब आपको बोलेंगे कर दीजिए, ये इसका नॉर्मल हैंडल है जो इसमें सीधे ही हम फिक्स कर देंगे, और ये आपका एक्सेसरी का, इसको थोड़ा ध्यान से ये हम लगाएंगे और इन दोनों वायरों को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान रहे वो जो आगे वायर लगा रहे हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आगे की हेडलाइट के लिए। और अब इसके थ्रू हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि ये एक्सेलरेटर आपका निकल के कहीं भागे नहीं। लगाएंगे इसकी मेन हेडलाइट, ये जो आप तार देख पा रहे हैं इनको जो कलर जिससे मैच हो रहा है उसी से कनेक्ट करना है आपको। ग्रीन से ग्रीन, रेड से रेड, ये बस तीनों को इसके अंदर करके आपकी हेडलाइट ऑलमोस्ट रेड, और यहाँ पे फिक्स कर इंटरलॉकिंग सिस्टम है, बोल्ट यहाँ पर जरूरत नहीं है। अभी हम साइड मिरर लगाने वाले हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। ये देखिए ये अंदर गया और ये फिक्स हो गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम में अंदर जाते ही ये फिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो सिंगल तार है वो एक रेड और ब्लैक में ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके बाद जो अंदर से तार निकल के आ रहे हैं
ये तार आपके ब्लैक जाएगा ब्लैक के अंदर, और रेड यहाँ पे आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब हमारी बाइक पूरी तरह असेंबल हो चुकी है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड और बैक का आपको बटन दिया गया है, आप फॉरवर्ड वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो ये आगे जाएगी। ठीक उसी तरह बैक करने के बाद एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी पीछे आएगी। और ये देखिए इसमें आपको ब्रेक ऑप्शन दिया गया है, गाड़ी चलते चलते ब्रेक लगा, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑप्शन दिया गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इस बाइक की असेंबलिंग पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताएं असेंबल करने के बाद, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप के कई मॉडल, कई वैरायटी की कार और बाइक की अनबॉक्सिंग और असेंबलिंग करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।